के अंदर क्या कर रही हूँ, मैं तो कंटिन्यूएशन में ड्राइव कर रही हूँ, बट आप एग्जाम में देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ड्राइव करिएगा। जैसे आज मैं क्या करने वाली हूँ, उसमें पहला रिलेशन में वीपी इक्वल टू सी स्क्वेयर बाय वी प्रूफ करने वाली हूँ, ठीक है, जो हमने कल भी किया था, लेकिन कल हमने दूसरे मेथड से किया था, आज हम दूसरे से कर रहे हैं। दूसरा पार्ट इसमें मैं वी जी इक्वल टू वी प्रूफ करने वाली हूँ, और थर्ड पार्ट VP इंटू वी जी इक्वल टू सी स्क्वायर प्रूफ करने वाली हूँ। मैं कंटिन्यूएशन में कर रही हूँ कि मैं स्टार्ट लेके करूंगी, एक बार VP इक्वल टू सी स्क्वायर बाय वी प्रूफ करेंगे, एक जगह VG इक्वल टू वी प्रूफ करेंगे, एक बार VP इंटू VG इक्वल टू सी स्क्वायर प्रूफ करेंगे। तो एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर करिएगा, ठीक है। मैं तीनों को एक साथ लेके चल रही हूँ, ठीक है। आप देखिएगा एग्जाम में क्या क्वेश्चन है उसके, अगर खाली VP का रिलेशन पूछ रहा है कि सी स्क्वायर बाय वी प्रूफ करिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं और जैसे कल कराया था वैसे भी कर सकते हैं। अगर ये आता है कि ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर है, तो फिर वहां तक आपको करना पड़ेगा, और वीपी इंटू वी जी इक्वल टू सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्रूफ कर रहे हैं, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो जैसा आज हम ड्राइव कर रहे हैं वैसा करिएगा। अगर एक नंबर या दो नंबर में है तो शॉर्टकट मान लीजिएगा, क्या कहिए, वी नो वीपी इक्वल टू सी स्क्वायर बाय वी, वी नो वी जी इक्वल टू वी, और वी की वैल्यू पुट करिएगा तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं, लेट अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट लेट अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट इज मूविंग विद वेलोसिटी वी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स ग्रुप ऑफ डी ब्रॉगली वेव देन ओमेगा एंड के आर गिवन बाय, तो ओमेगा होता है हमारा 2 पाई न्यू ठीक है, और लैम्डा होता है या के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा और के की वैल्यू से फिर हम वीपी वीजी कैलकुलेट करेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू एंड के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। तो पहले ओमेगा कैलकुलेट करते हैं, फिर के कैलकुलेट करते हैं, फिर वीजी वीपी कैलकुलेट करेंगे। वीपी क्या होता है, ओमेगा बाय के, वीजी क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी के। तो ये सब कैलकुलेट करके वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे आंसर्स मिलते जाएंगे। तो पहले ओमेगा कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या होता है हमारा, इक्वेशन वन से ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई mc स्क्वायर अपॉन h। ये कहाँ से आया, फ्रॉम प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला, e इक्वल टू एच न्यू होता है, फ्रॉम आइंस्टाइन टोटल एनर्जी mc स्क्वायर होती है, दोनों को इक्वेट किया, एच न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर और न्यू इक्वल टू mc
स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है, ये वैल्यू पुट की है यहाँ पे न्यू की. फिर फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर. चलिए अब सबका हो गया होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ, ठीक है. तो ओमेगा इक्वल टू टू पाई एम नॉट सी स्क्वेयर अपॉन एच अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, ठीक है. इक्वेशन थ्री, ये सबका ओमेगा आ गया. अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. एंड के इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन टू टू पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा क्या होता है हमारा एच डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. सो के इक्वल टू टू पाई अपॉन एच एम वी. फिर सेम वैसे ही वेरिएशन ऑफ मास से एम की वैल्यू रख देंगे. फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास एम नॉट वी एच अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इक्वेशन फोर. तो हमारे पास ओमेगा और के की वैल्यू आ गई है. तो एक बार वीपी कैलकुलेट कर लेंगे और एक बार वीजी कैलकुलेट कर लेंगे. सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फेज वेलोसिटी Vp इक्वल टू ओमेगा बाय k. तो फ्रॉम इक्वेशन एंड थ्री से हम इक्वेशन थ्री एंड फोर से ओमेगा और k की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है. देयरफोर Vp इक्वल टू ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, टू पाई एम नॉट सी स्क्वेयर अपॉन एच अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर. के की जगह रखेंगे टू पाई एम नॉट वी एच अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर. देखेंगे मैक्सिमम टर्म्स कट रही हैं, सिर्फ क्या क्या बचेगा, सी स्क्वेयर बचेगा और वी बचेगा. तो वी पी इक्वल टू सी स्क्वेयर बाय वी. तो ये वाला रिलेशन हमने पीछे एक मेथड से ड्राइव किया था और आज हम दूसरे से कर रहे हैं, तो भी वही आ रहा है, वी पी इक्वल टू सी स्क्वेयर बाय B. ठीक है, तो अब हमारा फेज वेलोसिटी आ गया है, अब हम ग्रुप वेलोसिटी करेंगे. नाउ ग्रुप वेलोसिटी, बल्कि ये तो अब मुझे आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे. ग्रुप वेलोसिटी होता है vg इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. vg इक्वल टू डी ओमेगा बाय, हम क्या करेंगे, ओमेगा को एक बार v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार k को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो ग्रुप वेलोसिटी आ जाएगा. ये इक्वेशन हम 5 कैलकुलेट कर चुके हैं और ये हमारी 6 है, ये तो हो ही चुका है क्योंकि तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया इक्वेशन थ्री को विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा बाय डी वी कैलकुलेट करना था, तो डी बाय डी वी और ओमेगा की वैल्यू थी आपकी टू पाई एम नॉट सी स्क्वेयर अपॉन एच अंडर. चलिए तो डी के बाय डी वी की वैल्यू और कैलकुलेट करिए. चलिए मैं लिख भी दे रही हूँ कि मेरी कितनी आ रही है, जिससे पता लग जाए आपको इतना वैल्यू कैलकुलेट करके लाना है. तो ये मेरा आ रहा है टू पाई एम नॉट अपॉन एच वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर टू पावर माइनस थ्री बाय टू.
ठीक है, तो डी ओमेगा बाय डी बी मेरा आ रहा है 2 पाई एम नॉट वी अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टू पावर माइनस 3 बाय 2। डी के बाय डी बी मेरा आ रहा है 2 पाई एम नॉट अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टू पावर माइनस 3 बाय 2। तो डी ओमेगा बाय डी के कैलकुलेट करते हैं पहले, ठीक है। तो डी बाय डी बी, बल्कि वो जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको हम पहले बाहर ले लेते हैं, रुकिए। इसमें तो सारे ही कांस्टेंट है, बस 1 अपॉन अंडर रूट हाँ तो 1 माइनस वी है ना, हाँ तो उसको तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एच कांस्टेंट है, तो डी बाय डी बी हमें किसका करना है 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टू पावर माइनस 1 बाय 2 का। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, पहले ये टर्म लिख लेते हैं 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर एच, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 1 बाय 2 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर माइनस 3 बाय 2। फिर ये अंदर की टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस 2 वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो टर्म मैंने यहाँ लिखी हुई है देखिए वही आ रही होगी, फिर 2 पाई एम नॉट वी अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर माइनस 3 बाय 2। देखिए 3 स्टेप में ये हो रहा है डी ओमेगा बाय, तो इक्वेशन 7 ये हमारी 7 हो गई डी ओमेगा बाय डी वी की वैल्यू। सिमिलरली आप डी के बाय डी वी कैलकुलेट करिए, डी वी कैलकुलेट करिए किसका करना है, इक्वेशन 4 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी। डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू वी, तो डी के बाय डी वी और के की हमारी वैल्यू आ रही थी, ये आ रहा था हमारा 2 पाई एम नॉट वी अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हमारे जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिएगा, ये दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वी और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो फिर दो तरीके से है, तो डिवाइड वाले रूल से कर सकते हो या मल्टीप्लाई वाले रूल से कर सकते हो, मैं मल्टीप्लाई वाले रूल से करती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है ना। तो डिफरेंशिएट करके देखिए यही आंसर आ रहा होगा जो यहाँ पे लिखा है, नहीं आ रहा है तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगी, इतना नोट कर लीजिए। नहीं आ रहा तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं डी के बाय डी वी और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी के बाय डी वी, ठीक है, तो जो कांस्टेंट है पहले वो बाहर लिख लेते हैं, तो कांस्टेंट था 2 पाई एम नॉट अपॉन एच, हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है डी बाय डी वी v into 1 minus v square by c square to power minus 1 by 2। तो मैं मल्टीप्लाई वाले से डिफरेंशिएशन कर रही हूँ, तो 2 pi m not upon h, एक बार v का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार 1 minus v square by c square to power minus 1 by 2 का करेंगे। तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया dv by dv 1 हो जाएगा, तो सिंपल 1 minus v square upon c square to power minus half बचेगा, प्लस अब सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन, ये अभी हमने पीछे करके ही आए हैं, तो माइनस हाफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर माइनस 3 बाय 2 माइनस 2 वी अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और v से v मल्टीप्लाई करके v स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारी जो बनेगी वो बनेगी 2 पाई एम नॉट अपॉन h 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर टू पावर माइनस हाफ प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर टू पावर माइनस 3 बाय 2। तो क्या करिए, 3 बाय 2 कॉमन ले लीजिए, बाकी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 पाई एम नॉट अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर माइनस 3 बाय 2 कॉमन ले लिया,
यहाँ से फर्स्ट टर्म से हमारा ये प्लस में हो जाए, सॉरी प्लस वाली टर्म आ जाएगी, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1 वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर फर्स्ट टर्म से आ गया, प्लस यहाँ से पूरा कॉमन ले लिया था, तो यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचा, ये वाली टर्म यहाँ से कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 2 पाई एम नॉट अपॉन एच डी के बाय डीवी की वैल्यू 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी 8। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 से जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे, तो वी जी आ जाएगा हमारा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एंड 8, तो 6 इक्वेशन में 7 और 8 सही से बना देते हैं, V आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो Vg इक्वल टू V, मतलब ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होती है, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करता है उसी वेलोसिटी से हमारा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं Vg में, तो Vg इक्वल टू हमने क्या करा है, डी ओमेगा बाय डी वी की वैल्यू पुट की है और डी के बाय डी वी की वैल्यू पुट की है, तो डी ओमेगा बाय डी वी वैल्यू आ रही थी हमारी 2 पाई एम नॉट वी अपॉन एच 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर 3/2, ठीक है। और ये वैल्यू आ रही थी हमारी 2 पाई एम नॉट एच 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टू पावर 3/2, ठीक है। सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, वी जी इक्वल टू वी आ जाएगा। यस मैम, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होती है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। Thus, we can say डी ब्रॉगली वेव ग्रुप एसोसिएटेड विद अ moving body travels with the same velocity as particle As moving particle, ठीक है, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से ये मूव करेगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 Vp इक्वल टू, यहाँ था ये हमारा ग्रुप वेलोसिटी, ये था हमारा फेज वेलोसिटी, Vp equal to c square by v. Therefore, Vp equal to c square upon vg or Vp into vg equal to c square. Okay, relation between group velocity or phase velocity फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल, नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग
टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. According to de Broglie hypothesis, lambda equal to h upon mv. mv क्या होता है, p क्या होता है, particle की velocity. और अभी हम proof करके आ चुके हैं particle की velocity group velocity के बराबर होती है. Therefore, lambda equal to h upon mvg. Equation 1. Free particle है, non-relativistic case है. तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी, टोटल एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल बताइए. जो फ्री पार्टिकल होता है उसकी रेस्ट एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. ठीक है, मूव कर रहा है नॉन रिलेटिविस्टिक करी तो टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है. तो इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर. और वी की जगह हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है वी जी, तो एम वी जी स्क्वेयर. इक्वेशन 2. प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला इक्वल टू एच न्यू, क्योंकि वीपी कैलकुलेट करेंगे अब हम. तो इक्वल टू एच न्यू. इक्वेशन 3. फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को इक्वेट करिए, एच न्यू इक्वल टू हाफ एम वी जी स्क्वेयर. तो यहां से न्यू इक्वल टू आ जाएगा एम वी जी स्क्वेयर अपॉन 2h. इक्वेशन 4. और हम ऑलरेडी पहले ड्राइव कर चुके हैं कि जो हमारा फेज वेलोसिटी होती है फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा के बराबर होता है. Now, phase velocity. Phase velocity Vp equal to nu into lambda. तो from equation 1 and 4 से nu और lambda की value put कर देंगे. तो nu की value है mg vg square upon 2h. Lambda की value है h upon mvg. तो m से m cancel हो जाएगा, square कट जाएगा vg से h cancel हो जाएगा. तो ये आ जाएगा vg by 2. So for non-relativistic free particles, phase velocity is a half of group velocity. तो hence for non-relativistic free particle, the phase velocity is a half of the group velocity. चलिए तो क्वेश्चन लिखिए. दिस इज द लास्ट रिलेशन ऑफ फेज वेलोसिटी है ना, जो अब तक हमने ड्राइव कर रहे हैं. शो that show that the de Broglie wave velocity de Broglie wave velocity की बात कर रहा है, मतलब phase velocity की बात कर रहा है ना, is a function of wavelength. Even in free space, हमने dispersive medium में तो बोला था कि de Broglie wave जो है wavelength या frequency dependent होती है, but free space में भी wavelength का function होती है, ये proof करना है. और language क्या हो सकती है दूसरा, show that phase velocity, show that
फेस वेलोसिटी ऑफ शो दैट द फेस वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स associated with moving particle associated with moving particle having rest mass m naught is given by Vp equal to T 1 plus m naught c lambda upon h whole square to power 1 by half. सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हमें जो है वीपी और लैम्डा में रिलेशन चाहिए. सामने लिखा भी है, नहीं लिखा है तो भी डी ब्रॉगली वेव वेलोसिटी मतलब फेज वेलोसिटी वीपी की बात कर रहा है और लिख रहा है कि वेवलेंथ में रिलेशन चाहिए. तो मतलब वीपी का हमें एक्सप्रेशन पता है, लैम्डा का एक्सप्रेशन पता है, दोनों को यूज करके हमें ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना है. ठीक है, लैम्डा कहाँ से निकालेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से. Vp क्या होता है हमारा, सी स्क्वायर बाय वी, तो v वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, v पार्टिकल वेलोसिटी तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. दोनों को यूज करके हम ये रिलेशन ड्राइव करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इसको करना. According to de Broglie concept of matter waves, according to the de Broglie's concept of matter waves, the wavelength associated with particle, the wavelength associated with particle of mass m moving with velocity v is given by lambda equal to h upon mv. But हमें expression में पता लग रहा है कि हमें rest mass की terms में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, from variation of mass m equal to m naught upon under root 1 minus v square by c square put कर देंगे. तो equation 1 में m की value put कर देंगे. तो m की जगह रख दीजिएगा m naught upon under root 1 minus v square by c square. ठीक है, हमें क्या करना था, लैम्डा और वीपी में रिलेशन फाइंड करना था. तो हम लैम्डा लेके चले डी ब्रॉगली से कि लैम्डा होता है एच अपॉन एम वी फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास. हमने एम की जगह एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रख दिया. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, पर वी की वैल्यू फेज वेलोसिटी की टर्म्स में रख देंगे और उसको हम क्या करेंगे, बस रीअरेंज करना है, सॉल्व करना है जो हमें फॉर्म दी गई है उस फॉर्म में. तो लैम्डा equal to h upon m की जगह हमने रखा m naught under root 1 minus v square upon c square upon v.
एम की वैल्यू पुट कर दी, फिर इस पी को इस अंडर रूट के अंदर लेके चले गए, तो क्या होगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट अंडर रूट, ये भी अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वन अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है इक्वेशन वन। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड करेंगे फेस वेलोसिटी के टर्म्स में, ये इसमें पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, जो हमें रिलेशन चाहिए वो हमें मिल जाएगा। नाउ फेस वेलोसिटी vp इक्वल टू c स्क्वायर बाय v, यहाँ पर भी v पार्टिकल वेलोसिटी है, यहाँ पे भी v पार्टिकल वेलोसिटी है, तो यहाँ से v पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी c स्क्वायर बाय vp। अच्छा इक्वेशन तो वन हमने पीछे लिख लिया था, ये इक्वेशन टू एंड थ्री हो जाएगा। टू भी हो गया था, ये थ्री एंड फोर, इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर, ठीक है। तो क्या करिएगा, वी की वैल्यू इक्वेशन थ्री में पुट करिएगा, उसको रीअरेंज करके जो हमें ड्राइव करना है वो फॉर्मूला निकाल लीजिए। मैम इक्वेशन थ्री एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। देखिए इसमें क्या किए, क्या है ये वी है, ठीक है, इस वी को अगर अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ये हो गया एच अपॉन एम नॉट अंडर रूट, यहाँ पर है वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये भी अंडर रूट के अंदर ले गए तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग लिख लिया, तो एच अपॉन एम नॉट अंडर रूट वन अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया वन अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर, आ गया समझ में, दोबारा बताओ, ठीक है। चलिए तो उसको यहां से क्लियर कर लेते हैं, तो अब क्या करिए इस वी की वैल्यू इक्वेशन थ्री में पुट करिए और मुझे सॉल्व करके दिखाइए कि आपका वो रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो हमें ड्राइव करना है, ठीक है, मैं तो कर ही रही हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट अंडर रूट वन, पी की जगह लिख सकते हैं हम सी स्क्वेयर वी पी, और इसका फिर हम क्या करेंगे होल स्क्वेयर माइनस वन अपॉन सी स्क्वेयर, ठीक है, और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट अंडर रूट वी पी स्क्वेयर अपॉन सी टू पावर फोर माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखिए, जो हमें प्रूफ करना था कि वी पी इक्वल टू सी वन प्लस एम नॉट सी लैम्डा अपॉन एच होल स्क्वायर वन की पावर वन बाय टू, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमारा है हमें क्या करना है लैम्डा स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर दिया इसको दोनों साइड से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर एच स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, सी स्क्वायर मैंने सी जो है सी टू पावर फोर एलसीएम ले लिया, वी पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दोबारा देखिए मैंने क्या कहा, हमने लैम्डा का स्क्वायर कर लिया, तो स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, तो वी पी स्क्वायर माइनस सी, हमने सी जो है सी टू पावर जो फोर है एलसीएम ले लिया, तो वी पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा टू पावर फोर, सॉरी सी टू पावर फोर। अब ये एम नॉट और ये सी टू पावर फोर भी क्या है, इधर मूव हो जाएगी, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू वी पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको, वीपी स्क्वेयर इक्वल टू, ये टर्म इधर चली गई, सी स्क्वेयर प्लस लैम्डा स्क्वेयर एम नॉट स्क्वेयर सी टू पावर 4 अपॉन एच स्क्वेयर। देखा जाए तो वो रिलेशन आ गया, सी स्क्वेयर बाहर कॉमन ले लिया, 1 प्लस लैम्डा एम नॉट सी अपॉन एच टू होल स्क्वेयर वीपी स्क्वेयर, और वीपी इक्वल टू सी अंडर रूट 1 प्लस लैम्डा एम नॉट सी अपॉन एच होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, लैम्डा में वी की वैल्यू पुट कर दी, वी की वैल्यू थी सी स्क्वायर बाय वी पी, फिर इसका स्क्वायर कर दिया और फिर बस रीअरेंज करते गए, तो हमें जो लास्ट में जो इक्वेशन चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको वी पी ड्राइव कर लिया। चाहे तो हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेशन नहीं दिया है कि हमें यही एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो अगर लेकिन क्वेश्चन में एक्सप्रेशन ड्राइव करा रहा है तो फिर जहां तक उसने ड्राइव कराया है क्वेश्चन वहां तक हमें इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के रिलेशन खत्म हो